दोस्तों आज हम आपको ले जाने वाले हैं विश्व के सबसे अद्भुत और सहनशीलता वाले देश इंडोनेशिया की सैर पर। इस देश को द्वीपों का राजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीपों का समूह इंडोनेशिया में ही मौजूद है। यहाँ पर कुल 17,509 द्वीप हैं और इन्हीं से मिलकर ये खूबसूरत देश बना है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है तथा विश्व में जनसंख्या में यह देश चौथे नंबर पर आता है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 27,35,24,000 के लगभग है। अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो इस देश का एरिया 19,04,569 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है तथा इसकी सीमाएं मलेशिया, पपुआ गिनी और तिमोर लेस्ते से जुड़ी हुई हैं। इस देश की राजधानी है जकार्ता शहर और यह सिटी पूरे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शहर भी है। इतना ही नहीं, विश्व में दूसरी सबसे घनी आबादी वाला शहर भी जकार्ता ही है, जबकि पहले नंबर पर जापान का टोक्यो शहर आता है। दोस्तों यहाँ के 96% लोग पढ़े लिखे होते हैं और करेंसी के रूप में यहाँ इंडोनेशियन रुपया चलता है, जो कि भारत के 1 रुपए में 195 रुपया के बराबर आता है। मतलब यहाँ आप कुछ ही 1,000 रुपए में करोड़पति कहलाए जाएंगे। इस देश में अगर धर्म की बात करी जाए तो यहाँ लगभग 87% लोग इस्लाम को मानने वाले रहते हैं, पर हैरानी की बात तो ये है कि इतनी ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद इसे संवैधानिक रूप से इस्लामिक कंट्री नहीं कहा जाता। दोस्तों इंडोनेशिया के लोग बहुत उदार भाव के होते हैं, जहाँ आपको संस्कृति और सहनशीलता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। यह मुस्लिम बहुमत देश है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये बात जानकर कि 1.5% की यहाँ हिंदू आबादी भी रहती है। फिर भी यहाँ के लोग रामायण और महाभारत को अपनी संस्कृति का अहम हिस्सा मानते हैं, साथ ही इन ग्रंथों के उपदेश और विचारों को अपने जीवन में भी लाते हैं। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय चिन्ह भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ पक्षी से लिया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ की नेशनल एयरलाइंस भी गरुड़ एशिया है, और तो और यहाँ के 20,000 के नोट पर भी भगवान गणेश की प्रतिमा दिखाई देती है। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ धर्म से भी पहले संस्कृति को महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि इस देश में सभी धर्मों का आदर सम्मान बराबर होता है। इस देश को बहुत से टेक्टोनिक प्लेट्स ने घेर रखा है, जिसके कारण यहाँ काफी ज्यादा भूमिगत हलचल होती रहती है। यहाँ पर लगभग 400 के करीब एक्टिव ज्वालामुखी हैं, जिसके कारण इस देश को डेंजरस भी माना जाता है, और यही कारण है दिन भर में यहाँ 2-3 भूकंप तो आप आराम से महसूस कर सकते हैं। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कीलैंड और मेजापी है, जो जावा आइलैंड पर मौजूद है। दोस्तों इस देश में मुस्लिम आबादी होने के बावजूद यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर भी है, जिसका नाम बोरोबुदुर है, और यह भी जावा आइलैंड पर स्थित है। साथ ही इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा फूल रफलेशिया भी इंडोनेशिया में पाया जाता है, और इस एक फूल का वजन ही 2 से 2.5 किलो तक निकलता है। दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली भी आपको इसी देश में घूमती हुई मिल जाएगी, जिसका नाम कोमोंडो ड्रैगन है, और यह छिपकली इंडोनेशिया का नेशनल एनिमल भी है। इस देश के द्वीप समूह में सबसे प्रसिद्ध है बाली। बाली एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इंडोनेशिया में टूरिज्म से यहां की सरकार खूब सारा पैसा भी कमाती है, और बाली द्वीप पर हर सैलानी जरूर जाता है। अगर आपको उगते सूरज का अद्भुत नजारा और ज्यादा करीब से देखना है तो फिर इस देश की एक्टिव ज्वालामुखी पहाड़ी माउंट बैतूर से बेहतर कुछ नहीं। यहाँ पर भी सैलानियों की भीड़ सी लगी रहती है, 2-2 घंटे ट्रैकिंग करके लोग यहाँ पर चढ़ते हैं। इन सब चीजों के अलावा तिर्ज एम्पूल मंदिर अपने पवित्र पानी के लिए भी काफी मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आने वाला हर इंसान अगर इस होली वाटर में नहा ले तो उनके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। इंडोनेशिया ही दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल का प्रोडक्शन करके विश्व भर में एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अगर आपको इंडोनेशिया का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक देकर हमारे इस छोटे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जाते जाते बेल आइकन प्रेस कर
ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।